अभी भी ट्रेन में ट्रेवल करो कभी भी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज है 30 जनवरी और मैं हूँ अभी ट्रेन में। हम लोग चले थे काठगोदाम से और अभी जा रहे हैं अजमेर, और अजमेर उतर के जाएंगे भिलवाड़ा। हमारा ट्रिप खत्म हो चुका 5 दिन का, वापस जाना है घर, और घर जाने के बाद फिर भी एक और सरप्राइजिंग ट्रिप बाकी है जो कि एक ही दिन के बाद है। तो ब्लॉग में बने रहें और ब्लॉग देखते रहें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और पिछले 5 दिन के ट्रिप की जो थकान थी वो हम सब ने सो के निकाल दी। सबके सब जन उठनी बेच के सोए हुए थे, तो अब थोड़ी देर में सो के उठ रहे क्योंकि थोड़ी देर में अजमेर आ जाएगा। अजमेर हमें उतरना है 12 बजे के आसपास और फिर उसके बाद जाना है भिलवाड़ा। अभी भी उठनी बेच के सो कभी भी। ट्रेन चल रही है 1.5 घंटा लेट, हमें पहुंचना था अजमेर 12 बजे, पहुंचेंगे 1.5 बजे तक। मौसम है सुहाना, जल्दी से अजमेर जाना। अभी भी हम उठनी बेच के सोती, हमारा सिस्टर उठनी बेच के सोती, बाची और रोजी आंटी भी उठनी बेच के सोती। तो अभी भी कल होने के बाद समोसा कांड, आज फाइनली मिले हैं अलवर के समोसे। या भीमताल में समोसे मत खाना भैया। अभी बज रहे हैं 2:30 और हम लोग पहुंच चुके हैं अजमेर स्टेशन, और हमारे यहाँ से ट्रेन है भिलवाड़ा के लिए लगभग 4:30 बजे। तो अभी जाके करेंगे वेटिंग रूम में वेट और वहाँ खाएंगे खाना, फिर उसके बाद 4:30 बजे बोर्ड करेंगे ट्रेन भिलवाड़ा के लिए। अभी हम लोग आए हैं 2.0 लाइट कैफे और यहाँ पे कर रहे हैं रेलवे स्टेशन पे लंच। लंच में मंगाई गई है घर की थाली, तो ये रहा आज का लंच। और लंच करने के बाद करना है वेट ट्रेन का। तो लंच हो गया, लंच करने के बाद अपन कर रहे हैं अपने ट्रेन का वेट। हमारी ट्रेन 1/2 घंटा लेट है। अभी भी वेटिंग हॉल में आके बैठो कभी भी, खाओगे पियोगे रहोगे चुस्त, लेकिन पेट भर के खाना खाने के बाद हम सब हो चुके हैं सुस्त। तो अजमेर से हम लोग बैठ चुके हैं भिलवाड़ा जाने के लिए और अभी लगेंगे पूरे 2 घंटे पहुंचने में भिलवाड़ा। बहुत थकान हो चुकी है, 5 दिन का ट्रिप था, अब वापस जल्दी से जाना है घर और करना है रेस्ट। वैसे कल ही निकलना है अगले ट्रिप पे, और अभी भी घर पहुंचो कभी भी। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं भिलवाड़ा रेलवे स्टेशन और बज चुके हैं 7:00। तो अभी भी घर आओ कभी भी, फाइनली पूरे 6 दिन का ट्रिप आज जाके खत्म होता है। हम लोग निकले थे 25 जनवरी को, आज है 30 जनवरी, और अब घर आके मैं नहा धो चुका हूँ और सामान पैक करके दोबारा पैकिंग भी कर ली है क्योंकि कल फिर से जाना है एक दूसरे ट्रिप पे। उसके भी ब्लॉग्स आते रहेंगे, चैनल पे बने रहना, वीडियो को लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। अभी भी हम जाती, हम खाना खाती और फिर सो जाती, तुम भी खाना खाती और सो जाती। मिलते हैं कल शाम को। मिनी ब्लॉग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट जरूर करना, मिनी ब्लॉग देखो, उस पे लाइक और कमेंट करो। इस ट्रिप का जो मेन पर्पस था वो था कैची धाम जाना, नीम करोली बाबा के दर्शन करना, वो बहुत अच्छे से हुआ। बाकी हमने नैनीताल घूमा, भीमताल घूमा, नाकुचिया ताल घूमा, 7 ताल घूमा। सारे ताल घूमने के वीडियोस और ब्लॉग्स चैनल पे हैं, चेकआउट जरूर करना। और मैंने पैराग्लाइडिंग भी की लाइफ में, फर्स्ट टाइम, बकेट लिस्ट टिक कंप्लीट। वो पैराग्लाइडिंग करना मेरे बकेट लिस्ट में था, फाइनली लाइफ में करने का मौका मिला और मैंने पैराग्लाइडिंग की, बहुत मजा आई। उसकी ब्लॉग चैनल पे है, जाके चेकआउट जरूर करना। पहले मैंने सामान को किया अनपैक, फिर किया थोड़ा सा और पैक, और जो कपड़े धोने को देने थे धोने में डाल दिए, बाकी कुछ कपड़े उसमें रख दिए। ये नया ट्रिप जो है ये है सिर्फ 4 दिन का। अभी भी आई एम रेडी फॉर अ न्यू ट्रिप अगेन।